सो गाइस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा MTK टूल है और इसके अंदर जब भी हम ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं और इंस्टॉल करने के बाद से कुछ इस प्रकार का, ये देखिए इस प्रकार का एरर आ रहा है। जब हम यहाँ पे तीनों सेलेक्ट कर रहे हैं और सेलेक्ट करके जैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये एरर आ जा रहा है। अब इसको हम जितनी बार ट्राई करें ये बार बार वही एरर आ रहा है। तो अभी चलिए फिर से आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे तीनों को सेलेक्ट करके जैसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है फॉरबिडिंग एप्लीकेशन 13 डिटेक्टेड, प्लीज अनइंस्टॉल इट एंड रिस्टार्ट PC। तो यहाँ पे इस एरर का मतलब ये हो गया कि आपके कंप्यूटर के अंदर कोई ऐसा एप्लीकेशन इंस्टॉल है जो कि इसके लिए हार्मफुल है, यानी कि ये जो आप UMT का MTK के टूल यूज कर रहे हो इसके लिए सपोर्टेड नहीं है और वो एप्लीकेशन UMT के लिए दिक्कत कर रहा है, इसके वजह से ये ऐसा हो रहा है। और अगर आप इस UMT के जो ये MTK के टूल है, अगर आप इसको चाहो तो अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, उसको दोबारा भी आप इंस्टॉल करोगे तब भी ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होने वाला है। तो आपके कंप्यूटर में कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो कि इस एप्लीकेशन के लिए दिक्कत है और वो एप्लीकेशन जब तक रहेगा तब तक ये नहीं चलने वाला है, और वो कौन सा एप्लीकेशन है वो भी आपको मैं अभी बता देता हूँ। तो ये जो प्रॉब्लम आ रहा है आपका, ये प्रॉब्लम आप चाहे जितनी मर्जी जैसे बता रहा वैसे करिए, ये नहीं होने वाला है। अब ये होगा कैसे, तो ये होगा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपको एक एप्लीकेशन दिख रहा होगा, USB रीडायरेक्टर, जिसको मैंने इंस्टॉल कर रखा है इस PC में, जिसकी वजह से ये दिक्कत कर रहा है। अब आप जब तक इसको रखोगे चाहे कुछ भी कर रहे हो ये होगा ही नहीं, क्योंकि शेयरिंग ये जो है ये USB शेयरिंग के लिए है। USB शेयरिंग करने से क्या है, UMT के लिए एक तरह से इलीगल है USB शेयरिंग, और इसके लिए ये एप्लीकेशन दिक्कत कर रहा है। और आप UMT में चाहे MTK खोलो चाहे कोई भी खोलो, कोई भी काम करने वाला नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, हमें चले जाना है कंट्रोल पैनल में और यहाँ पे USB रीडायरेक्टर को हमें अनइंस्टॉल कर देना है। तो चलिए ये देखिए USB रिडायरेक्टर, इसको हम यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे इसको फिनिश किया, अभी क्या होता है कई बार आप लोग सॉफ्टवेयर का काम किसी ऑनलाइन वाले बंदे से कराते हो तो वो USB ड्राइवर का जरूरत पड़ता है, तो आपके कंप्यूटर में ऑनलाइन कनेक्ट होकर उसको इंस्टॉल कर देता है। और अब आप इंस्टॉल करवा लिए, उसके बाद से पता चला कि जब आपका वो इंस्टॉल हो गया तब आपका UMT दिक्कत करने लगा, तो आप परेशान हो जाओगे करे क्या, कहाँ जाए क्या नहीं करे, तो इसलिए ये चीज़ दिक्कत आती है। यहाँ पे देखिए एक और USB रीडायरेक्टर है मेरे पास, इसको भी मुझे इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, मैं हटा के देखता हूं। नहीं है, नहीं है। चलिए अब ट्राई करके देखते हैं क्या हमारा इमेज है। तो ये देखिए हमारा काम बन गया। तो बस उस एप्लीकेशन की वजह से पूरी दिक्कत आ रही थी हमारे कंप्यूटर में। देखिए अभी यहाँ पे ऑप्शन आ गया, अभी ये नहीं आ रहा है। तो ये था इसका सोल्यूशन। अभी आप में कितने भी नया आप वर्जन आते जाए UMT का, अगर इस तरह का प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इस तरह से आप इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।